जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। उल्वे में घर कहाँ लेना है, क्यों लेना है, उल्वे में अलग अलग प्राइजेस है, क्यों प्राइजेस अलग अलग है, ऐसे काफी सारे सवाल जो हमारे दर्शकों को हमेशा ही आते हैं और इससे रिलेटेड जो कमेंट्स या फिर ईमेल्स या फिर मैसेजेस मुझे बार बार आते हैं। फिर इस बार मैंने सोचा कि इस बार फिर से कुछ अलग करते हैं। हमेशा ही मैं आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ, सेक्टर्स दिखाता हूँ, उससे बेटर कुछ करते हैं। मैप आपको दिखाता हूँ उल्वे का, जो मेरे सामने यहाँ पर इस टेबल पे रखा हुआ है, और इस मैप के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उल्वे में कौन सा सेक्टर कहाँ पर है और अभी के लिए आपको कौन से सेक्टर में इजीली प्रॉपर्टी मिल सकती है। बिकॉज काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है उल्वे में जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन लोग वहां पर घूमते हैं पर ऑप्शन जो है मिलना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज नए कंस्ट्रक्शन है नहीं। तो नए कंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेंगे, कौन से सेक्टर्स में मिलेंगे और टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइजेस हो सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी गाइड, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। आज से ठीक 16 से 17 महीने पहले ऐसा ही टाइप का एक जो मैप था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। उस टाइम वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और जितना मुझे आपको एक्सप्रेस करना था शायद से मैं उस टाइम एक्सप्रेस कर नहीं पाया, और काफी सारी डिटेल जो वो अपग्रेड हो चुकी है, इसीलिए आज का जो है ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात आपको ध्यान से सुननी है और जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है, कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं करना है। इसमें से कोई भी चीज अगर आप करते हो तो वीडियो जो समझना है डिफिकल्ट हो जाएगा और एंड में स्किप कर करके देखने के बाद आपको जो है डिटेल्स कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। तो सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर डिटेल्स सीरियसली चाहते हो तो वीडियो को विदाउट स्किप कर ही आपको देखना है। शुरुआत करेंगे दोस्तों अभी के लिए एग्जिस्टिंग उल्वे में आने के लिए जो पहला एंट्री है वहां से हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर है, जैसे हम बेलापुर या फिर महानगर पालिका के तरफ से बाय रोड इस तरफ आते हैं तो जैसे हम राइट लेते हैं इस रोड के ऊपर, तो यहाँ से जो है उल्वे स्टार्ट हो जाता है। अब जो है उल्वे में हमने एंट्री करते ही अगर लेफ्ट साइड आप देखोगे तो यहाँ पर G+4 के जो है ज्यादा करके आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे, और ये जो सेक्टर्स है ना मैं पूरे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे सेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी ये पूरा जो सेक्टर है ये आता है सेक्टर 24 और सेक्टर 25। अब बात ऐसी, काफी सारे लोग बोलते हैं ये इलीगल है, काफी लोग बोलते हैं लीगल है, काफी बोलते हैं सिडको के अंडर में आता है, काफी लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत के अंडर में आता है। तो आई विल मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये जो है सिडको ने ही बनाया हुआ सेक्टर है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और घर खरीदी कर रहे हो, आपको अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बार लीगल एडवाइस ले लीजिए। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्टर अच्छे से डेवलप होने वाला है और हो भी रहा है। इनफैक्ट ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर में आता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो ध्यान से देखिए, पेपर ध्यान से चेक कीजिए, खुद को अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इलीगल एडवाइस ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्राम पंचायत में आता है, ऐसा भी नहीं है इलीगल है, सेक्टर जो है पूरा सिडको ने ही डेवलप किया। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप जिस प्रोजेक्ट में ले रहे हो आपको पता चलना चाहिए या पता रहना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में जो है क्या पेपर वर्क फॉलो हुआ है, किस बेसिस पे वो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, क्या परमिशन उसमें ली गई है। तो इंडिविजुअल आपको जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए, जो भी चीजें मैंने आपको पहले बताई है उसके ऊपर सोचिए और उस तरीके से उसको पैरेलली कंपैरिजन कीजिए। ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार किसी सॉलिसिटर को दिखा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेक्टर अच्छा नहीं है, ये सेक्टर भी अच्छा है। इवन और एक चीज बता देता हूँ, एंट्री करते है ना यहाँ से एक छोटा सा लेफ्ट है जिसको अभी लोग बोलते हैं कि ये मेन रोड है इधर का, पर वैसा नहीं है। अब इसके थोड़ा आगे आ जाओगे ना तो यहाँ पे एक है ना बड़ा सा नाला है, वो नाला हमेशा के लिए रहने वाला नहीं बिकॉज वो कवर अप हो रहा है और उसके ऊपर 11-11 मीटर के ऐसे तीन रोड बनेंगे, मतलब टोटल जो है वो 33 मीटर का रोड बनेगा और वो आपके 24 और 25 का जो है ना बॉर्डर होगा। मतलब जो पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ अगर आपको सेक्टर 26 देखना है, तो ये यहाँ पर जो है ना ये पूरा सेक्टर 26 डेवलप हो रहा है। तो ये सेक्टर 26 और 24 के बीच में ये जो बड़ा सा 33 मीटर का रोड बनने वाला है ना, ये रोड है, और ये आगे जाके जो ये रोड है ना लिंक रोड में कन्वर्ट होने वाला है, मतलब जॉइंट होगा ये इस तरीके से, और ये लिंक रोड जो है ना पूरे उल्वे में घूमने वाला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप उल्वे में कहीं पे भी जाते हो तो लिंक रोड पे पहुंचोगे तो आपको फिर से एड्रेस आइडेंटिफाई करना फ्यूचर में ईजी होने वाला है। ठीक है, तो ये बात पूरी हो गई आपकी सेक्टर 24-25। सेक्टर 24-25 में अभी के लिए आपको जो ऑनवर्ड्स रेट है 1 BHK का 35 लाख रुपए से ऑनवर्ड्स मिल जाएगा 24 और 25 में, और 1 RK की अगर मैं बात करूं तो 21-22 लाख रुपए से जो है स्टार्ट हो जाते हैं। फिर डिपेंड करते हैं किसके पास आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्वालिटी कैसा है, एमिनिटीज क्या दी जा रही है, और कौन कितने बड़े रोड पर वो आ रहा है। कितने बड़े रोड पर मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था कि कौन से लोकेशन पर है, कौन से रोड पर है, उसके ऊपर भी जो है प्रोजेक्ट की प्राइस डिपेंड करती है।
तो ये प्राइजेस वेरियस हो सकते हैं, मैं अभी फिर से भी आपको बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ या फिर देते आया हूँ उसको एज एन आपको सिर्फ रेफरेंस यूज करना है, बाकी की चीजें जो आपको आपको साइट पर जाके या फिर लोकेशन पर जाके कंफर्म करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे निकलेंगे, आगे निकलते ही बड़ा सा सर्कल आता है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, काफी लोग इसे गामी के नाम से जानते हैं, काफी लोग शगुन के नाम से जानते हैं, काफी लोग सेक्टर 19 का सर्कल कहते हैं, काफी लोग सेक्टर 20 का कहते हैं। रीजन ये है कि ये सबसे पहले सिडको का जो है पहला डेवलपमेंट रहा और ये पूरा जो है ना डेवलप हो चुका है, चाहे वो सेक्टर 19 हो, चाहे वो सेक्टर 20 हो, चाहे वो सेक्टर 23 हो, ये पूरा जो है ना ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो अभी के लिए इस लोकेशन पर जो है आपको ज्यादा ऑप्शंस देखने मिलेंगे नहीं, बिकॉज मेजोरिटी जितने भी प्लॉट्स थे वो सारे जो है डेवलप हो चुके हैं, और अभी कुछ कुछ जो प्लॉट्स पहले छूट चुके थे या फिर जिसपे डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो प्लॉट अभी डेवलप होने बाकी है। तो शायद से इक्का दुक्का कंस्ट्रक्शन आपको कहीं पे देखने मिल जाए, पर मेजोरिटी जो आपको एक साथ कंपेरिजन में वैसे प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, और ऐसे लोकेशन पर जो है प्राइजेस हाई है। उलवे, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उलवे जो है ना तीन हिस्सों में बटा हुआ है, एक है आपका डेवलप्ड उलवे, दूसरा है डेवलपिंग उलवे, और तीसरा है अंडर डेवलप उलवे। मतलब क्या, तो एक उलवे ऐसा आपको देखने मिलेगा जैसे हम शगुन चौक की बात कर रहे हैं या फिर सेक्टर 20 के चौक की बात कर रहे हैं, कि आपको आने के बाद ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ बन चुका है, सब कुछ डेवलप हो चुका है, और वैसे ही जगह पे अगर आप प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होने वाली है, और टावर वहां पर ज्यादा है जिस रीजन से वहां पर प्राइजेस भी आपको ज्यादा मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली अगर 1 BHK की बात करूँ तो आपका 65 लाख के आसपास 1 BHK जाएगा, 1 करोड़ के ऊपर जो आपका 2 BHK जाएगा, और ऐसे जगह पे 1 RK फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और मिलेगा भी तो 30 लाख रुपए के ऊपर उसकी जो है प्राइसिंग जा सकती है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, उस चौक से अगर हम राइट जाते हैं तो राइट में आगे जाने के बाद फिर से आगे एक बड़ा सा रोड लगेगा, उस रोड के आगे आप जाओगे तो फिर यहाँ पर आता है सेक्टर 3, 2 और 5। ऑलरेडी ये सेक्टर भी जो है ना पूरा मोस्टली डेवलप हो चुका है, इक्का दुक्का जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, प्राइसिंग जो है सिमिलरली आपको मिलेगा 40-45 लाख रुपए के बीच में जो है आपका G+4 में 1 BHK मिलेगा, वही अगर टावर में होता है तो 50-55 लाख रुपीज तक जाता है, अगर टावर में मिलेगा आपको G+12 के तो 60-65 के आसपास जो है प्राइसिंग जाता है, नए कंस्ट्रक्शन बहुत कम देखने मिलेंगे। ऐसे ही अगर देखूं तो 4 और 7 जो है वो नवी मुंबई सीजे जो रिलायंस है वहां पे उसके अंडर में चले गया, तो वहां पे आपको कुछ डेवलपमेंट देखने नहीं मिलेगा। प्रीमियम सेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए जो है 9, 8 और 17 का आधा पार्ट ये जो है प्रीमियम सेक्टर में आता है। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ कि 9 जो है पूरा डेवलप हो चुका है, एका दुक्का कंस्ट्रक्शन ही यहाँ पे चल रहे, 8 भी ऑलमोस्ट पूरा डेवलप हो चुका है, 10 भी है यहाँ पे डेल्टा वगैरह के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, तो वो भी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। अब बात ऐसे इसको प्रीमियम में मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना हाईली डिमांड है, वो डिमांड क्यों है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना ये नवी मुंबई सीलिंग है जो शिवडी से होके नवी मुंबई आने वाला है। अब जैसे ही आप नवी मुंबई आओगे शिवडी से तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसा सर्कल बना हुआ है, तो ये एग्जिट के लिए, तो जैसे ही आप नवी मुंबई आओगे मुंबई से एग्जिट लेने के बाद जो है आपको सेक्टर 10, 9, 8, 17 ये मेन रोड पे जो आप कनेक्ट हो गए, तो यही एक रीजन है कि यहाँ पर जो है ना हाईली डिमांड जो है अभी के लिए क्रिएट हुआ है, बाकी के सेक्टर्स में भी आएगा। मैं हमेशा से ही लोगों को कहते आया हूँ कि उलवे में आप कहीं पे भी रहो यार, उलवे है ना 2 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक स्टेशन है खारकोपर और दूसरा स्टेशन है यहाँ पे बामन डोंगरी। इस स्टेशन से आप कितना भी दूर घर ले लो, आप 2 किलोमीटर से बाहर ज्यादा जाओगे नहीं, इस स्टेशन से आप कितना भी दूर घर ले लो 2 किलोमीटर से आप बाहर जाओगे नहीं। तो थोड़ा बहुत अच्छे से जो है प्लान इसको किया हुआ, हम पेंट चेंज कर लेते, कलर चेंज कर लेते क्योंकि काफी ज्यादा ब्लू हो गया और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये थी सारी बात, अब बात करेंगे सेक्टर 17 की। तो सेक्टर 17 का ये वाला जो पोर्शन है ये अच्छे से जो है ऑलरेडी देख जो है वो डेवलप हो चुका है, आप शायद से देख पा रहे हो, इसको मैं हाईलाइट करूं, पर सेक्टर 17 का जो है ना एक आधा पार्ट है जहां पर थोड़ी सी टेकड़ी है और उस टेकड़ी पे जो है कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रहा है। तो काफी सारे लोगों को डाउट है कि अरे ये कैसा डेवलप हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे टेकड़ी के इधर से ऊपर आने के लिए रोड है वो भी ठीक से नहीं है। तो बताना चाहूंगा वो रोड जो है आपका हमेशा के लिए रोड नहीं होगा, वो तो होगा लेकिन मेन रोड जो है ऊपर आने वाला है, जिस रीजन से जो है ये सेक्टर 17 बहुत अच्छे से फ्यूचर में डेवलप होने वाला है। अभी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे ना जिसका OC आया हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसका OC नहीं आया हुआ है, पर वैल्यू वाइज अगर आप कंपेयर करोगे तो अदर सेक्टर के कंपेरिजन में ज्यादा जो है प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन, लोगों को जो है उस लोकेशन की वैल्यूज जो है ऑलरेडी पता चल चुकी है। तो G+7 में अगर प्रोजेक्ट आप देखते हो तो मेरे हिसाब से 55 लाख रुपए के आसपास 1 बेड मिलना चाहिए, 75 लाख रुपीज के आसपास जो है 2 BHK होना चाहिए। टावर्स के तो प्राइसिंग आपको पता है, 1 CR के आसपास जो है 2 बेड जाता है,
वन बेड जो है 60 के आसपास जाता है, जी प्लस 4 का होगा तो 45 लाख रुपीज का प्लानिंग आप वन बेड के लिए कर सकते हैं। वन आर के आपका 27 से 30 लाख रुपए के आसपास आ जाता है। फिर से अभी बात करेंगे एक अलग सेक्टर के बारे में, वो है सेक्टर 16। साथ ही में बात करेंगे सेक्टर 15 की। तो इसमें अच्छा बात यह है कि सेक्टर 16 और 15 एग्जैक्टली खारकोपर स्टेशन के पास में है। तो फायदा क्या होगा, जिन लोगों को स्टेशन से ज्यादा ट्रैवल करना है, जिन लोगों को ऐसा है कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे और कहीं जाना है, थाने जाना है, लेकिन मुझे घर जो उलवे में चाहिए, ज्यादा पैसा जो ट्रैवलिंग पे खर्च नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 16 और 15 में जी प्लस 4 में आपका 40-45 लाख के आसपास जो 1 बीएचके बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत जो है 16 तो अच्छे से डेवलप हो चुका है, 15 जो है अभी के लिए उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, पर आई गेस फ्यूचर में जो है अच्छा डेवलप होने वाला है। तो 16-15 में आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जहां पर आपका काम इजीली हो सकता है। और स्टेशन के उस तरफ जाते हैं तो एक सेक्टर यहाँ पे बना हुआ है सेक्टर 13। हालांकि यहाँ पर जो एक या दो ही काम जो है सेक्टर 13 में शुरू हुआ है, पर सेक्टर 13 भी जो है बहुत अच्छे से डेवलप होने वाला है। बिकॉज सीलिंग से अगर आप एग्जिट लेते हो तो एग्जिट लेने के बाद जो है आपको 13 जाना बहुत इजी होने वाला है और बहुत करीब होने वाला है। इवन अगर पूरा रोड ये डेवलप हो जाता है तो खारकोपर स्टेशन उतर के सेक्टर 13 जाने के लिए भी इजी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए रहने जैसा नहीं है, इवन रहने के लायक प्रोजेक्ट ही नहीं है। प्रोजेक्ट जो बन रहे शायद से अगले 6 महीने 8 महीने 1 साल में जो है कंप्लीट होंगे और 1-1.5 साल में जो है पोजीशन मिल जाएगा। मुझे आशा है ऐसी कि अब तक सिडको ने जो परफॉर्मेंस पहले के सेक्टर्स में किया वैसा ही परफॉर्मेंस जो है बाकी के सेक्टर्स में भी करेगी। दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ मैंने जो है अब तक शेयर की है, लेकिन फिर से जो है थोड़ा सा ईजी पड़े आप लोगों के लिए समझने के लिए या फिर याद रहने के लिए, तो वो मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। अभी के लिए कौन से सेक्टर्स में आपको ऑप्शंस मिलेगा, तो सेक्टर 24, सेक्टर 25, नया सेक्टर जो लॉन्च हुआ है सेक्टर 26 में आपको ऑप्शंस मिलेगा, सेक्टर 17 का कुछ पार्ट है जहां पर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, सेक्टर 16 में मिलेंगे, 15 में मिलेंगे और 13 में जो है 1-2 ऑप्शन चल रहे। बाकी के जो सारे सेक्टर्स है, फिर चाहे वो 10 भी हो, 9 हो, फिर चाहे वो 5 हो, 2 हो, 21 हो, 20 हो, 23 हो, यहाँ पर एक दो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स जो है आपको 19 के इस कॉर्नर पर मिलेंगे बिकॉज ये डेवलप होने से रह गया था। ये वाला बड़ा रोड जो है ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो इसके बीच में यहाँ पर 19 का ये वाला पोर्शन है, इसमें कुछ आपको बड़े प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल सकता है। बाकी के जगह पे तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इसी के साथ बताना चाहूंगा सीलिंग तो यहाँ पर डेवलप होने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जहाँ से हम उलवे में एंटर करते हैं, उलवे इज अ बिग सिटी इनसाइड, मतलब अंदर ही अंदर बड़ा सिटी है, तो उसका एंट्री जो इतना छोटा नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर में हमें जो एक बड़ा सा वाइड रोड देखने मिलने वाला है जो उलवे के बैक साइड से डेवलप हो रहा है, जो सीलिंग को क्रॉस करते हुए जो है आगे बाहर जाने वाला है। तो यहाँ से जो है फ्यूचर में ज्यादा यातायात या फिर ट्रैफिक जो है इस रोड पर बढ़ने वाला है, पर इसको जो है 90 मीटर वाइड रोड को अभी काफी टाइम जो है डेवलपमेंट के लिए लगने वाला है, तब तक के लिए जो है ये रोड ही यूज करना है हमें। आगे जाकर पॉसिबिलिटीज होगी तो मैं आपको अलग अलग सेक्टर्स पे जो है घूमकर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा सेक्टर जो है एग्जैक्टली कहाँ से और कैसा दिखता है। बिकॉज काफी सारे ऐसे जो हमारे व्यूवर्स है जो अब्रॉड में रहते हैं, पैसा जो है उनको इन्वेस्ट करना है, घर लेना है, पर लेकिन यहाँ पर फिजिकली आ नहीं पाते, तो उनको थोड़ा समझना इजी हो इसीलिए जो ये सारी कोशिश चल रही है। जिस तरह से मैंने अभी इस बार मैप पे दिखाया, अगली बार जो फिजिकली अलग अलग सेक्टर्स में जाके दिखाऊंगा कि कौन सा सेक्टर जो है एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस हुआ है, वैसे हम फिजिकली घूमेंगे कि कौन सा सेक्टर एग्जैक्टली कहाँ है और एक्चुअल में वहाँ पर क्या परिस्थिति है, वो आपके साथ मैं फ्यूचर में जो है शेयर करना जरूर चाहूँगा। दोस्तों इतनी सारी मेहनत है ना, ईजिली नहीं होती, स्टडी करना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है और तब जाके ऐसे वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको इतने सारे वीडियो में से थोड़ा सा भी ऐसा लगा होगा ना कि नहीं यार मेहनत है और इसमें से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो एक बार सिर्फ और सिर्फ है ना जय हिंद कमेंट में लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ताकि ऐसे अपडेट जो है फ्यूचर में आपको मिलते रहे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।